मेरा इस शो में जमवाले गुरुद्वारे जो प्रताप के छोटे भाई का कैरेक्टर है और जो प्रताप से इतनी नफरत करता है शायद किसी और से नहीं करता है। आज के सीन की बात करें तो क्या सीन चल रहा है? आज अभी प्रताप को फांसी देने वाला सीन चल रहा था क्योंकि मैं प्रताप को अपने षड्यंत्र में फंसा देता है। जैसे जैसे भी उसने मुझे गोली मारी, फिर रानी माँ को गोली मारी, तो सम लाइक मेक ऑफ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन राणा जी से उनको फांसी की वो दे देता है। अभी तो काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स ही चल रहे। प्रताप को फांसी होने वाली, जिससे ट्विस्ट और क्या होगा? फांसी हो गई तो अब देगा आपको देखना सर। मेरे बता दे फिर आप लोग क्या देखोगे? हाँ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भटियानी का जो आशीर्वादियम का बीता हूँ, तो बचपन से मुझे ये सिखाया गया कि मुझे मेवाड़ का युवराज बनना है। तो अभी प्रताप के रहते मैं बनूंगा नहीं, तो इसलिए मैं उसको मारना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ का राजा बन जाऊँ। लुक की बात करें, मेरा लुक ग्रीन कलर की आई एकदम नेगेटिव, लेकिन रियल में बहुत सॉफ्ट हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रोल बहुत, हाँ मेरे लिए बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल। और क्या कहना चाहेंगे शो में, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? अभी तक इतना टाइम चला गया पता भी नहीं चला। लेट्स से अगर आप लोग ऐसे इसको रिस्पांस देते रहेंगे तो आगे भी आपको महाराणा प्रताप और देखने के लिए मिलेगा। घुड़सवारी की बात करें, आप अच्छी घुड़सवारी कर लेते हैं, ये सब शो के दौरान सीखा? हाँ मुझे घुड़सवारी ऑलमोस्ट नहीं लग रहा है। अभी भी अभी यहाँ पे आया घोड़ा, अभी तो ऐसे ही चलाते चलाते भी ऑलमोस्ट सीख गया फाइनली। और क्या कहना है शो के बारे में, कैसे केमिस्ट्री कैसी रहती है शो के दौरान? केमिस्ट्री जैसी रियल स्क्रीन पर ऐसी ऑफ स्क्रीन है, सब बहुत अच्छे जितने भी स्टार्स है आर्टिस्ट रात में काम कर रहे हैं, बहुत ही फैमिली जैसा रहता है। फांसी के वक्त क्या थी यहाँ पर? फांसी के यहाँ पर था, मेरी पिटाई हो रही थी अंदर में, मारे थे इसलिए आगे आके इसका ही टेस्ट आएगा। अभी जो सीन होने वाला है, अभी तो ये अलग सीन चल रहा है, फांसी का सीन है, फांसी का होगा। नमस्ते, मैं आपकी रचना परुलकर अजब दे फ्रॉम महाराणा प्रताप। आप सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप में अभी कुंवर प्रताप को फांसी लगने वाली है क्योंकि राणा उदय सिंह जी ने आदेश दे दिया है, उन्हें पनिश कर दिया है। अभी बहुत टेंशन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि प्रताप को फांसी लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि प्रताप को फांसी ना लगे, क्योंकि वो मेरे पति है, मेरा सुहाग है, तो मैं चाहती हूँ कि वो बच जाए। इसीलिए मैंने जो योजनाएं की थी उन्हें बचाने के लिए, कुंवर जगमाल को फंसाकर, धमन सिंह को जीवित दिखाकर, आई एम जस्ट प्रेइंग कि वो योजनाएं सफल हो जाए, काम हो जाए और कुंवर प्रताप बच जाए और जो आरोपी है जिसने अपराध किया है उसे दंड मिले। तो यही सब चल रहा है। जगमाल की रणनीति की बात करें, क्या कहना चाहेंगे जगमाल के बारे? जगमाल को पनिशमेंट मिलनी चाहिए मुझे यही लगता है, क्योंकि जगमाल ने बहुत गलत किया है अपने खुद के दादा भाई के साथ, और वही कोशिश चल रही है हमारी धमन सिंह को जीवित बताकर कि जगमाल फंस जाए और कुंवर प्रताप बच जाए और जगमाल को दंड दिया जाए। अभी ये सीन की बात करें, आपको एकदम इन्फॉर्मर आता है, आपको बताता है, तो क्या रिएक्शन है? वो दासी आके बताती है कि हाँ उदय सिंह जी जगमाल को कुछ कर रहे हैं, वो जो मैं बता नहीं सकती आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा आगे। बट यही सब इसके आगे पीछे के सीन्स है जो हम शूट कर रहे हैं, बस और नहीं बता सकती मैं। फांसी कब गई है, क्या हुआ है? नहीं पता मुझे, नहीं पता कुछ तो बताना, मुझे कुछ नहीं पता। आपको कितना मजा आ रहा है शो में बात करें? मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि ये मेरा पहला हिस्टोरिक शो है और अच्छा एक्सपीरियंस है, अलग एक्सपीरियंस है, करने में मजा आता है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग क्या कहते हैं, भाषा है, जो शुद्ध हिंदी जो है, काफी समय के बाद शुद्ध हिंदी में बात करने का मौका मिल रहा है। तो वैसे सोशल शोज में हम इतनी शुद्ध हिंदी नहीं यूज करते, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छे लोग हैं, अच्छा कैरेक्टर है, अच्छी स्टोरी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉजिटिव एटमोसफियर है। आपको